क्या कामयाबी पुलिस को मिली? देखिए, ये कानपुर देहात में एक बहुत अच्छा गुड वर्क हमारी पुलिस ने किया है, जिसमें कि मैं आपको डिटेल में बता दूं कि एक व्यक्ति जिसका नाम सुशील तिवारी है, जो थाना रामनगर जिला खंडवा मध्य प्रदेश का रहने वाले हैं, ये पंडिताई का कार्य करते हैं और इनकी इस बात के लिए ख्याति है कि जो चमत्कारी चीज़ होती हैं उनको ये देख के बता देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं कि वो वास्तव में सही है या गलत है। बहुत सारे लोग इन तरह की चीज़ों में डील करते हैं, उन चीज़ों को खरीदने का और बेचने का व्यापार व्यवसाय करते हैं। तो कुछ लोगों ने एक गैंग बनाते हुए सुशील तिवारी को, इनको मध्य प्रदेश खंडवा से बुलाया और यहाँ एक होटल में ये डील होनी थी, जिसमें कि इनके द्वारा इस वस्तु का जो आप सामने देख रहे हैं इसको वेरीफाई किया जाना था कि ये वास्तव में कोई चमत्कारी चीज़ है या नहीं। ये यहाँ पर आते हैं, इनके आने का भी एक प्रोफेशनल तरीके से ये उसमें चार्ज करते हैं, पर 100 किलोमीटर ये लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं जो भी इनको वो चमत्कारी चीज़ देखने के लिए बुलाता है। ये अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ आते हैं और इनके साथ जो गैंग बना के जो इन लोगों को बुलाया गया था वो इनके साथ मुलाकात करते हैं और फिर इनकी आपस में बातचीत होती है। उसके बाद इन्हें रियलाइज होता है कि इन लोगों ने, इनका उद्देश्य केवल ये चीज को सत्यापित करवाना नहीं है बल्कि उनसे, उनको अपहरण करके उनके परिवार वालों से एक मोटी रकम को वसूलना है। इनको उस होटल से दूसरी जगह आके शिफ्ट किया जाता है, जहां पर इनको रखा जाता है एक जंगल में, जहां इनके परिवार वालों से इन्हीं के फोन से फोन करके 1 करोड़ की रकम की डिमांड की जाती है और बताया जाता है कि 1 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से भेज दिए जाएं। इनको दबाव में लिया जाता है, इनके साथ मारपीट भी की जाती है उस पूरे ग्रुप द्वारा, और जिसमें कि ये उनके दबाव में अपने पत्नी से और अपने दोस्त से ये बात बताते भी हैं, उनको सूचना देते हैं कि इस तरह से आप इस चीज़ को खरीदने के लिए मेरे पास 1 करोड़ रुपये भिजवा दीजिए। जब ये बात 19 तारीख को होती है, उसके बाद कल दोपहर बाद पुलिस को इसमें सूचना मिलती है, वहाँ खंडवा पुलिस के माध्यम से हमारी लोकल पुलिस को सूचना मिलती है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे सीओ अकबरपुर और एसएचओ अकबरपुर की पूरी टीम, हम लोग एक्टिव होते हैं और इस ऑपरेशन को, जिसमें 3 टीम हमने गठित की थी, इसको हम लोग एग्जीक्यूट किया और पता चला है कि इसमें रोहित सिंह, जो इसमें जिसका ये आइडिया था, जो एक छोटा मोटा इंडस्ट्री भी चलाता है दिल्ली में, ये उसका आइडिया था और उसने अपने इस आइडिया में सत्यम सिंह चौहान, पुत्र धीरेंद्र सिंह, थाना मूसानगर, इसको इन्वॉल्व किया और सत्यम सिंह ने उसको बताया कि यहाँ जनपद में लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, माने कि गाड़ी और लड़के, वो प्रोवाइड कराएगा, जहाँ इसको रखा जाना है, होटल में रुकवाना है, रोहित को होटल में रुकवाया जाना, होटल में डीलिंग कराना, उसके बाद इसको अपहृत करके, पर इसके ड्राइवर को, इसमें 2 लोग का किडनैपिंग उन्होंने किया था, उनको जहाँ रखा जाना था वहां पर अपने लड़कों द्वारा भेजा जाना, फिर गाड़ियों को मुहैया कराना और अपने लड़कों से इसके साथ मारपीट कराना। सत्यम ने ये काम किया, इसमें सत्यम के साथ एक पंकज जो अभी गिरफ्तार हुआ है वो भी उसी सत्यम का ही साथी है। ये पूरी घटना ये पिछले 1.5-2 दिन से प्लान कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन करते हुए दोनों अपहृत, जो दोनों किडनैप लोग थे, इनको सक्सेसफुली रिकवर कर लिया है और उन दोनों का मेडिकल एग्जामिनेशन करा के उनके फैमिली को इन्फॉर्मेशन दे दी जाई है और वो आगे उनको लेके जा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर दिया जाएगा। जहां तक अभियुक्तों का सवाल है, अभियुक्तों के पास से एक डंडा, एक ये तथाकथित जो दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला ये डब्बा है, ये मिला है। अपहरण के घटना में प्रयुक्त बुलेनो गाड़ी, एक टीयूवी गाड़ी, जो अपहृत व्यक्ति था उसकी हुंडई वेन्यू, 3 अदद अपहृतों के मोबाइल फोन, हाथ में बांधने के 2 गमछे और 4 अदद मोबाइल फोन जो अभियुक्त द्वारा यूज किए गए हैं, ये भी पुलिस ने इसमें बरामद कर लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि पुलिस इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के लिए इन अभियुक्तों को पीसीआर पे, पुलिस कस्टडी रिमांड पे माननीय न्यायालय से अनुरोध करके वापस लेगी और इनसे डिटेल इंटरोगेशन की जाएगी और जहां जहां वो स्पॉट्स हैं उन स्पॉट्स को भी चिन्हित किया जाएगा। इस गैंग के और कौन कौन मेंबर हैं, क्या इस गैंग में यहां के लोग हैं या आसपास जनपद के भी लोग जुड़े हुए हैं, पुलिस इस बारे में भी जान पहचान करेगी, जांच पड़ताल करेगी, क्रिमिनल हिस्ट्रीज, वो सारी डिटेल्स अगले 24 घंटे के अंदर पुलिस के पास और डिटेल में आ जाएगी। और इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये कृत्य को किया है, करने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई है उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मैं बता दूं कि जो इसमें बाकी लोग बचे हुए हैं उनके लिए भी पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं और हमारी टीम एक्टिव है और उनको भी जल्दी ही पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये बीजेपी के नेता भी है क्या, सत्ता से जुड़े हुए लोग क्या? इस बारे में अभी जो यहाँ जिले के जो पार्टी के लोग होंगे उनसे वेरीफाई किया जाएगा, वो इस बात को सत्यापित कर पाएंगे कि इनका क्या कहना है। गाड़ी में जो भी महामंत्री लिखा हुआ बीजेपी के झंडा लगा है, मैंने बताया ना कि ये चीज, क्योंकि ये एक मेंबरशिप की बात होती है कि जो कागज पे ली जाती है, तो वो सत्यता वहाँ के ऑफिस के द्वारा ही पता जा सकती है। जी हाँ, पुलिस टीम को, चूंकि ये एक बहुत अच्छा गुड वर्क है पुलिस ने किया है, तो हमारी तरफ से 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। साथ ही बड़े इनाम के लिए आईजी सर को रिकमेंड किया जा रहा है कि इनको 50,000 का इनाम दिया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी घटना थी जो जनपद में हमारी टीम ने प्रिवेंट किया और सक्सेसफुली जो अपराध है उनको बरामद किया है। इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।